Now, so we have already discussed about types of chemical reaction, जिसमें हमने discussion करा था, combination reaction जिसे हमने बोला था, addition reaction, दूसरा decomposition reaction, तीसरा हमने पढ़ा था displacement reaction, चौथा पढ़ा था double displacement reaction, पांचवा पढ़ा था oxidation और छठा पढ़ा था redox. These are the types of chemical reaction we have already discussed. Today we have to discuss about two types of the chemical reaction which are just going to happen in our day to day life. In which the first number is called corrosion, जो कि each especially हमारे आसपास होता है. Corrosion का मतलब होता है जंग लगना. अगर लोहे में जंग लगता है तो उसे rusting के नाम से जाना जाता है. और अगर कोई मेटल में अगर लेयरिंग और फर्दर सबकॉन्सियस होता है तो उसे ही स्पेशली नाम दिया जाता है क्या? जंग चाहे मेटल में लगे या दिमाग, दोनों ही डैमेज करता है. मेटल में लगेगा तो मेटल की क्वालिटी को खराब कर देगा और दिमाग में लगेगा तो इंसान की क्वालिटी को खराब कर देगा. कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हम लोगों से पूछते हैं, भाई मैं बिहारी, और बिहारियों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि आप लोग यहाँ के बच्चे ज्यादातर आईएएस और आईपीएस क्यों बनते हैं? उसका आंसर क्या हो सकता है? मैं तो सीधा बताता हूँ उसका आंसर कि जितना तुम्हारे पास दिमाग है ना उतना हमारा खराब रहता है, यानी उसके आगे की सोचते हैं. तो डेट इंडिकेट्स बात, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा. यहाँ पे जो टॉपिक है हमारे पास कोरोजिन, कोरोजिन इज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंसेप्ट इन विच व्हेन ए मेटल इज केप्ट इन ओपन एटमोस्फेयर इट स्टार्ट टू रिएक्ट विद एयर, वाटर, मॉइस्चर और एनी अदर सब्सटेंस एंड चेंजेस इट्स ओरिजिनल क्वालिटी. इसकी ओरिजिनल जो क्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है.